Hello everyone, today we are going to start some more basic problems on friction. देखिए last friction के videos में जिसमें मैंने basic problems on friction के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको बहुत basic तरीका बताया था कि friction के problems को कैसे sort out करते हैं। आज हम basic method ही सीखेंगे, लेकिन for inclined plane। inclined plane के लिए ये क्या होता है? इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए this is your inclined plane and first of all I take this inclined plane to be at rest, yani ki main se fix kar deta hu. yahan pe ye de rakha hai ki ye object rest pe hai. आपसे पूछा है इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लग रहा होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स, अब इसके लिए भी आपके पास चार ऑप्शन हो सकते हैं। पहला एमजी, दूसरा एमजी कॉस ऑफ थीटा, तीसरा एमजी साइन ऑफ थीटा, चौथा mg mu mg cos of theta, पांचवा mg root over sin square theta plus mu square cos square theta. There are four options that are shown in this board, on this board. अब आपको ये बताना है कि इस पे कॉन्टेक्ट फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है ना? कॉन्टेक्ट फोर्स, या फिर हम सिंपली बात करें नेट कॉन्टेक्ट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो हमें सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कैसे बनाएंगे? पहले बता चुका हूं, एफबीडी जरूर देखिएगा। ये नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स एन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगेगा, और mg, अब mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल नहीं, अलोंग द प्लेन कंपोनेंट क्या आएगा? mg साइन थीटा और हियर mg कॉस ऑफ थीटा, ये एंगल थीटा बनेगा। फ्री बॉडी डायग्राम के जो इलस्ट्रेशन है उसमें मैंने काफी ढंग से समझाया है कि ये कंपोनेंट कैसे, कब और क्यों लेने हैं। अब इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? ये एक्चुअली एन तो एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है, एन किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी कॉस ऑफ थीटा। अब यहां पे एम जी साइन थीटा क्या करना चाहता है? इसको नीचे लेके आना चाहता है, ये रेस्ट पे है, कौन रोकेगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किधर लगा? इन अपवर्ड डायरेक्शन एफ। अब याद रखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पे दे रखा है म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दे रखा है यहां पे? म्यू। अब आप ये सोचो कि अगर ये रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? सबसे पहले एफ एस मैक्स कितना होगा? म्यू इंटू एम जी कॉस ऑफ थीटा। अब फ्रिक्शन कितना होना चाहिए बताइए? म्यू एम जी कॉस थीटा लू। म्यू एम जी कॉस थीटा क्यों हुआ ये? क्योंकि एन बराबर एम जी कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो कोई मोशन है ही नहीं, तो एन बराबर एम जी कॉस थीटा ही होना है। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू एम जी कॉस थीटा। अब ये वाला जो फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसको कितने फोर्स को नीचे जाने से रोकना है? mg sin थीटा, mg sin of थीटा। अब आपसे पूछा है नेट कॉन्टेक्ट फोर्स। देखो
मैं ये सारी कैलकुलेशन आपको करके बता रहा हूँ, मैं बिना कैलकुलेशन के डायरेक्टली आंसर बोल सकता था, डायरेक्टली आंसर बोल सकता था mg, पर मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। आप देखिए कैलकुलेशंस देखिए, फिर आप लास्ट में ये देखोगे कि यार ये तो हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। फ्रिक्शन कितना होना चाहिए mg sin थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन को किसे बैलेंस करना है, mg sin थीटा को ही बैलेंस करना है। तो fs max जरूर हमारा चेक पॉइंट जरूर होता है, लेकिन उतना फ्रिक्शन लगे ये कभी भी जरूरी नहीं होता है। अब बच्चा ये कहेगा कि यार mg cos थीटा लिखो या mg sin थीटा लिखो, या तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं कहूंगा क्या पूछा उसने, नेट कॉन्टेक्ट फोर्स। नेट कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्स आर, सो आई कैन से दिस आर इज इक्वेटेड टू रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, एम जी कॉमन आ जाएगा, रूट के बाहर आके रूट स्क्वायर हट जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कितना बचा, वन, वन का रूट वन। अब मैं इसको डायरेक्टली करना चाहूं तो मान लीजिए मैंने यहां पे बात करी, एक फोर्स लग रहा है mg, ये mg इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, तो नेट जो भी फोर्स होगा वो क्या करेगा, mg को ही बैलेंस कर देगा। तो r बराबर डायरेक्टली अगर मैं लिख देता mg तो भी इसमें क्या कोई गुना था, नहीं। सारे प्रोसेस होते हैं, प्रोसीजर होती है, कुछ लॉजिक भी होते हैं। प्लेन कितना फोर्स लगाएगा, एक तो नॉर्मली लगाना है, एक फ्रिक्शन लगाना है, उन दोनों का मिला जुला वो किसको बैलेंस करेगा, mg को। दिमाग में ये बातें सेट करके रखो। अब इससे हम थोड़ी और अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स देखेंगे। देखिए एक इंक्लाइन प्लेन है जिस पे ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमको इसके बारे में सारी चीजें बतानी, फ्रिक्शन कितना है, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स कितना है। अच्छा इसका एफबीडी बनाएंगे, पहले फटाफट बना देता हूं मैं, एन एम जी साइन थीटा एम जी कॉस ऑफ थीटा और फ्रिक्शन ऊपर, क्योंकि ये स्लाइड नीचे कर रहा है तो रिलेटिव मोशन को ये अपोज करेगा। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, इस केस में भी मैं यहां पे कहूंगा n बराबर mg cos ऑफ थीटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मान, फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है म्यू mg cos थीटा, लेकिन जरूरत कितनी है, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ma बराबर जीरो बराबर mg sin ऑफ थीटा माइनस f, so f will be equated to mg sin of theta. So this is a simple case. अब ये मान लो ये self में नीचे accelerate कर रहा है, अब नीचे accelerate कर रहा है, मैं directly free body diagram बना रहा हूं, उसमें थोड़ी सी जगह ले लूंगा और इंक्लाइन प्लेन तो फिक्स है ही, तो इसकी जरूरत हमें है ही नहीं। अब अगेन यहां पे n ऊपर की ओर लग रहा है, m g cos ऑफ थीटा इस डायरेक्शन में एंड m g sin ऑफ थीटा इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन नीचे है, फ्रिक्शन ऊपर है। अब यहाँ पे ये फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्योंकि म्यू अलग अलग नहीं दे रखा है तो एफ के की तो वैल्यू फिक्स होती है, तो एफ के कितना लग रहा होगा, म्यू इंटू एन, म्यू अलग अलग नहीं दे रखा है तो दोनों म्यू हम सेम मानेंगे, यानी कि म्यू इंटू एम जी कॉस ऑफ थीटा, एन तो एम जी कॉस थीटा आना ना यहाँ पे, परपेंडिकुलर टू प्लेन तो कोई मोशन है ही नहीं, सो फ्रिक्शन आ गया मेरे पास म्यू एम जी कॉस थीटा। अब मेरे को पैरेलल टू द प्लेन इक्वेशन लगा दिया एन टू एल एम, मास इनटू एक्सेलरेशन एम इनटू ए बराबर क्या हो जाएगा, एम जी साइन ऑफ थीटा
माइनस ऑफ एफ, एफ कौन सा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन विल बी इक्वेटेड टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा। तो एक्सेलरेशन क्या है यहां पे, जी साइन थीटा, एम तो कट गया सारा, बचा गया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा। सो दिस इज द सिंपल एप्लीकेशन फॉर फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें इस ब्लॉक को मैंने ऊपर एक वेलोसिटी वी देके छोड़ दिया, यानी कि इंपल्स दिया है मैंने, तो इंपल्स से इसके पास क्या आएगा, ऊपर की तरफ वेलोसिटी आएगी, अभी क्या होगा तो धीमे धीमे रुकेगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसमें एन ऊपर एम जी कॉस ऑफ थीटा, नीचे एम जी साइन थीटा अलोंग द प्लेन, फ्रिक्शन कितना लगेगा, अभी स्लाइड ऊपर हो रहा है ना तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे, फ्रिक्शन लगा दिया मैंने नीचे, एफ कौन सा लग रहा है, स्लाइड हो रहा है तो एफ के ही लगेगा। अब अगेन एन तो वही है एम जी कॉस थीटा, तो एफ के कितना आ जाएगा आपके पास, म्यू इंटू एम जी कॉस ऑफ थीटा। अब ये क्या करेगा, धीमे धीमे इसकी स्पीड घटेगी क्योंकि एम जी साइन थीटा भी रोक रहा है और फ्रिक्शन भी रोक रहा है, तो इसका रिटार्डेशन होगा, तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन बोल सकता हूं, वेलोसिटी के अपोजिट में एक्सेलरेशन होता है तो वो क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि एम इंटू ए बराबर एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, सो एफ के की वैल्यू पुट करो, एम ए बराबर एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा। इस एक्सेलरेशन क्या आ गया, इस एक्सेलरेशन आ गया जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा। सो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स फॉर फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन, ध्यान दीजिए इन पे, समझने की कोशिश कीजिए। पिछला वाले वीडियो फ्रिक्शन के वापस से रिपीट करने तो करिए, क्योंकि बेसिक अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं, तो लास्ट फ्रिक्शन के जो बेसिक प्रॉब्लम्स के वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा। और एक खास बात, आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, मैंने जैसे बोला आपके लाइकिंग्स मेरे लिए एक प्रोत्साहन है, सो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि यस पसंद किए जा रहे हैं, इनने और अच्छा बेहतर से बेहतर और अनेक अलग अलग टॉपिक्स जिस पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उन्हें डिस्कस किया जाए। थैंक यू।